ये बाइक्स जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर 2023 में आप इनमें से कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं या फिर इनकी जगह पर कोई दूसरी बाइक खरीदना उचित रहेगा, क्योंकि इन बाइक्स के कंपटीशन में आपको और भी बेहतर बाइक्स मिल जाते हैं या फिर इन बाइक्स का एक नेक्स्ट जनरेशन आपको बहुत ही जल्द इंडिया में मिल जाएगा। तो अगर आप इन गाड़ियों को खरीदने के लिए वेट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इस लिस्ट की नंबर एक पर आने वाली बाइक की बात करें तो वो है पल्सर 125 सीसी बाइक। इस बाइक में आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है। ये बाइक काफी समय से इंडिया में अच्छा खासा मार्केट अचीव किए हुए है, लेकिन इस बाइक का आपको बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगा जो कि पल्सर P125 के नाम से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप पल्सर 125 को खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पे पल्सर NS125 को खरीद सकते हैं। इस लिस्ट की आगे की गाड़ियां हैं होंडा की तरफ से लीवो और SP125 में आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है और ये बाइक काफी अच्छी भी लगती है। इस बाइक में आपको LED रिफ्लेक्टर हेडलाइट के साथ फुली डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाता है, मगर इंडिया में इस प्राइस रेंज में इसके सेगमेंट में और भी बेहतर गाड़ियां उपलब्ध हैं, तो आप उनमें से कोई भी बाइक कंसीडर कर सकते हैं। वही बात करें लीवो की तो इसमें 110 सीसी का इंजन मिल जाता है, मगर इस बाइक के लुक्स और ग्राफिक्स काफी पुराने हो चुके हैं और इस बाइक में आपको फीचर्स के नाम पर भी कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि इसके कंपटीशन की अदर बाइक्स में आपको बहुत ही प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप लीवो को खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है होंडा इस बाइक को जल्दी एक अपडेटेड मॉडल के साथ इंडिया में लॉन्च कर दे या फिर आप इसकी जगह पे कोई दूसरी गाड़ी भी कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3 पर आने वाली बाइक की बात करें तो वो है KTM की तरफ से ड्यूक 125। वैसे तो ये इंडिया की सबसे ज्यादा पावरफुल 125 सीसी बाइक है, जिसमें आपको 125 सीसी का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और ये इंजन 14.3 BHP की पावर जनरेट करता है और 12 Nm का टॉर्क। मगर इस बाइक में आपको फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता और इस बाइक में आपको हैलोजन बल्ब रिफ्लेक्टर लाइट ही देखने को मिलती है। तो अगर आप 2023 में इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि KTM जल्दी इस बाइक के अपडेटेड मॉडल को इंडिया में लॉन्च कर देगा जो कि इंडिया में काफी बार टेस्टिंग के दौरान देखी भी गई है। इस बाइक का इंजन पावर फिगर तो आपको लगभग वही सेम मिलने वाला है, मगर इस बाइक में हो सकता है कि LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाए। साथ ही इस बाइक में पहले आपको सिंगल चैनल ABS सिस्टम देखने को मिलता था, तो हो सकता है इस बार आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 2023 में इस बाइक को खरीदने के लिए आप वेट कर लें तो आपके लिए एक बेहतर डील होगी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आने वाली बाइक की बात करें तो वो है बजाज की तरफ से पल्सर RS 200। बजाज ने इस बाइक को 28 मार्च 2015 को इंडिया में लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक इस बाइक में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, बस इस बाइक के थोड़े कलर और ग्राफिक्स को ही चेंज कर दिया जाता है। मगर 2023 में बजाज पल्सर RS 200 के नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च कर देगी और हो सकता है इस बार इस बाइक के इंजन के पावर फिगर में भी आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 2023 में इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर लें, वही एक अच्छा ऑप्शन होगा इस बाइक को खरीदने के लिए। तो यही 4 बाइक हैं जिनको खरीदना अभी के लिए एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप इन बाइक के नेक्स्ट जनरेशन का इंतजार कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर डील होगी, या फिर आप किसी दूसरी बाइक को भी खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप इन बाइक से रिलेटेड कोई और भी न्यूज जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई और भी अपडेट सामने निकल कर आती है आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।